नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने हैं शेयर बाजार के बारे में। आपको शेयर बाजार से संबंधित हर चीज़ की जानकारी इस बारे में मिलेगी। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो शेयर बाजार के बारे में लोग जानना चाहते हैं, उन क्वेश्चनों को मैंने जो है लिस्ट किया है, उन क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे, तभी आपको शेयर बाजार से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ जाएगी। दोस्तों, नॉर्मली जो लोग क्वेश्चन पहला पूछते हैं, क्या शेयर बाजार रिस्की है? दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आप किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, आप उस बिजनेस के अंदर जब पैसा लगाते हैं तो उस बिजनेस से आप ब्याज नहीं लेते, उसका प्रॉफिट लेना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड के बिजनेस के अंदर आपने जो है 50,000 रुपये लगाए और आपने उसको उधार नहीं दिया, लोन नहीं दिया, आपने बोला कि मैं एज ए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन ये है कि आपने 50,000 रुपये लगाए और आप चाहते हैं कि उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हो वो प्रॉफिट आपको मिले। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए तो आपको नुकसान भी मिल सकता है अगर आप उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर उस कंपनी में अगर नुकसान होता है, तो ये थोड़ा सा आपको मैनेज करके चलना चाहिए कि अगर किसी भी आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो वहाँ आपको नुकसान भी हो सकता है। सेम जो है वो शेयर बाजार है। तो शेयर बाजार का जो पहला क्वेश्चन है कि क्या शेयर बाजार रिस्की है, तो दोस्तों, अगर आप वाइजली कोई काम नहीं करेंगे, विद पेशेंस नहीं काम करेंगे, तो डेफिनेटली वो रिस्की है। तो अगर लोग जो है नॉर्मली इस चीज़ को, इन दो क्वेश्चनों को फोकस नहीं करते, वाइजली काम करना और विद पेशेंटली काम करना, इसलिए जो है लोगों के लिए शेयर बाजार रिस्की है। दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन नॉर्मली जो लोग पूछते हैं, क्या कितनी रिटर्न मिल सकते हैं शेयर बाजार से? दोस्तों देखो, रिटर्न की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिटर्न जो है वो 100% भी मिल सकती है, 200% भी मिल सकती है, 1000% भी मिल सकती है और उससे अधिक भी मिल सकती है, या यूँ बोलो तो कभी कभार जो है आपकी इन्वेस्टमेंट जो वो माइनस के अंदर भी आ सकती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं और आपने किसी का सिंगल कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो हो सकता है कि वो कंपनी अच्छी होने के बावजूद भी कोई टेम्परली उसके अंदर कुछ ऐसा कारण आ जाए जिस वजह से वो शेयर बाजार के अंदर उसका जो रेट है वो डाउन हो जाए, डेफिनेटली आपके पैसे भी जो है वो कम हो जाएंगे और आपको नुकसान होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 10 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें अपने 10,000 रुपये को और धीरे धीरे करें, ताकि अगर आपके वाइजली वर्क करने के बावजूद भी अगर एक आध कंपनी के अंदर कोई नुकसान होता है और आपका पैसा कम होता है तो आपको ऑल ओवर नुकसान नहीं होगा। ऑल ओवर अगर आपकी और कंपनियों में प्रॉफिट होगा तो ऑन एवरेज आपको ऑल ओवर प्रॉफिट होगा। तो आपको एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप मान लीजिए कोई FD में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो FD से तो आपको लगभग 200 से 300 गुना जो है वो अधिक प्रॉफिट मिलने के चांसेस है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने कोई 100 रुपये लगाया और आप तीन चार साल अगर आप वेट करते हैं तो आपको 100 रुपये के जो है 125 रुपये मिलने के चांसेस हैं, यानी कि 25% आपका प्रॉफिट होगा। तो FD के मुकाबले तो दोस्तों ये 300 गुना के आसपास हुआ। तो आप थोड़ा सा इसमें विवेक लगा के चलिए कि रिटर्न बहुत ज़्यादा भी मिल सकते हैं और नुकसान भी हो सकता है, ये सब आपके विवेक के ऊपर है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कॉमनली अगला क्वेश्चन लोगों ने पूछा कि कितने रुपए से आरंभ कर सकते हैं। दोस्तों, रुपए की डेफिनेशन तो यह है कि आप 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लोग इन्वेस्टमेंट तो है वो कभी कभार आप कई लाखों रुपए भी लगा देंगे तब भी शेयर बाजार के अंदर कम पड़ेगी, और स्टार्ट करने से आप अपनी पॉकेट के अनुसार भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो 100 रुपीज हो, 200 हो, 500 रुपीज हो या 1000 रुपीज पर मंथ हो। लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन जो मेन वो ये है कि आप कितने रुपए से आरंभ कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि आप बस स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, ताकि आने वाला समय नहीं रुकेगा, समय धीरे धीरे चलता ही रहेगा। तो अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले समय के अंदर वो आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज देगी। तो कितने रुपए से आरंभ कर सकते हैं, रुपए की कोई डेफिनेशन नहीं है, आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं और उस जो आपने इन्वेस्टमेंट बिगिन करी है बस आप उसको इंक्रीज करते रहिए। आज 100 रुपए लगाया है तो कल आप कोशिश करें कि 200 रुपये लगाने की कोशिश करें, अगली बार कोशिश करें 300 रुपये लगाने की। तो रुपए की डेफिनेशन है, कुछ किसी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर एक अगला क्वेश्चन ये भी लोग पूछते हैं कि प्रोसेस क्या है इसका, मतलब आप जो शेयर बाजार में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कैसे होती है, इसका प्रोसेस क्या है। दोस्तों, नॉर्मली इसके अंदर जो प्रोसेस है वो पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। पैन कार्ड आधार कार्ड तो कॉमनली मैं समझता हूँ सभी के पास होगा, अगर किसी के पास सेविंग अकाउंट नहीं है तो वो भी ऑनलाइन खुल जाते हैं। आप ऑनलाइन अपना जो है सेविंग अकाउंट ओपन करवा लीजिए और उसके बाद कई ब्रोकरेज कंपनियां हैं जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, जीरोदा
और अपना आनंद राठी, इन कंपनियों के अंदर आप ऑनलाइन जो है अपना अकाउंट खुलवा लीजिए, जो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होता है। डीमेट के अंदर क्या होता है कि आपका जो भी आप शेयर खरीदते हैं वो उसके अंदर रखे जाते हैं, और ट्रेडिंग के अंदर जो ट्रेड करे जाते हैं, मतलब बाय करे जाते हैं, सेल करे जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं उसके बाद आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, और नॉर्मली आप ऑनलाइन कहीं से भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये एक बस प्रोसेस है, ये प्रोसेस को आप बिगिन करें, और जितनी जल्दी बिगिन कर सकते हैं उतना आपके लिए एडवांटेज है। दोस्तों इसमें जो एक अगला क्वेश्चन कॉमनली लोग ये भी पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट का नाम इतना बुरा क्यों है, अगर इतनी ही अच्छी ये स्टॉक मार्केट है तो इसमें इतना बुरा क्यों। दोस्तों मैं आपको सिंपल एक बात बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आपने किसी फ्रेंड के साथ एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, मतलब आपके किसी फ्रेंड ने बोला कि आप इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें और आपने वो इन्वेस्टमेंट कर दी, तो क्या आप अगले दिन जाके उस प्रॉपर्टी को सेल करने की सोचते हैं? दोस्तों आप कोशिश करते हैं कि उस प्रॉपर्टी को साल, दो साल, दस साल, या हो सकता है वो आपके आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए प्रॉपर्टी रख दें हम, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉपर्टी में एकदम अचानक से बेनिफिट नहीं मिलता, समय लगता है, और आप खुद इस माइंड से, इस सेट से ही इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आपको उसमें एडवांटेज कुछ सालों बाद चाहिए। तो दोस्तों शेयर बाजार भी जो है वो स्टॉक मार्केट जो है वो सेम ऐसे ही है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर धारक हैं आप किसी कंपनी के, आपने इन्वेस्टमेंट करी है, तो वहाँ आप पेशेंस क्यों नहीं रखते? अगर वहाँ पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपका नुकसान होना लाजमी है। जिस प्रकार से आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उस माइंडसेट से अगर शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, पर लोग कॉमनली ऐसा नहीं करते, इसीलिए कॉमनली लोगों का नुकसान भी होता है। इसीलिए लोगों का स्टॉक मार्केट के प्रति जो है थोड़ा सा व्यवहार जो है वो बुरा व्यवहार मानते हैं उसको। तो ये चीज है कि कॉमनली लोग जो है स्टॉक मार्केट को बुरा मानते हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन नॉर्मली लोगों ने ये पूछा कि क्या बिना कॉमर्स नॉलेज के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। दोस्तों कॉमर्स नॉलेज एक अलग विषय है। कॉमर्स नॉलेज के अंदर क्या है कि आपको हर एक कंपनी के बारे में रूपरेखा मालूम पड़ती है, उसका प्रॉफिट क्या है, नुकसान क्या है, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही, कौन डायरेक्टर है, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत अच्छी बात है, ये तो नॉलेज होनी ही चाहिए। पर अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। आज जो युग है, मतलब ये तो जानकारी का युग है, नॉलेज का युग है, आप धीरे धीरे उसके बारे में पढ़ें जिस कंपनी के बारे में आप सर्च कर रहे हैं, और उस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करें। मैं बोलूँगा कि एकदम अगर आपके पास पैसा है तो एकदम जाकर आप इन्वेस्टमेंट करें, उसको विद पेशेंस पढ़ें, समझें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। और रही बात ये कैसे आएगी नॉलेज, तो दोस्तों एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देने का भी प्रयास करूँगा कि जो दिग्गज हैं शेयर बाजार के, वैसे तो नॉर्मली वॉरेन बफेट और अपने इंडिया के अंदर क्या राकेश झुनझुनवाला जो नाम बोला जाता है, उन लोगों ने जो बुक्स लिखी हैं, जो जिस बारे में वो राय रखते हैं, अगर आप उन चीज़ों को रीड करें तो डेफिनेटली जो है आपको बिना कॉमर्स के नॉलेज के भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से आपको एडवांटेज मिल सकता है। दोस्तों शेयर मार्केट कैसे काम करता है, ये अगला क्वेश्चन लोगों ने मुझसे पूछा कि शेयर बाजार कैसे काम करता है। दोस्तों मैं आपको एक सिंपल बात बोलना चाहूँगा कि आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, मतलब आप उस कंपनी में जो है एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कंपनी क्या करती है, आपके द्वारा जो पैसे लगाए जाते हैं उस पैसों को, मान लीजिए किसी आपने कार बनाने वाली कंपनी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करी, आपने पैसा उसको 10,000 रुपये दिया एज ए इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने पैसा जो है वो कार बनाने की जो कंपनी का जो कारखाना है उसमें पैसा लगा दिया। अब क्या है कि वो धीरे 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 कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है, या जो भी उनके एक्शन प्लान है उसको वो इम्प्लीमेंट कर रही है। पर मान लीजिए आपको 10 दिन बाद पैसों की जरूरत पड़ गई, तो कंपनी ने तो पैसा जो है वो कारखाने में लगा दिया है, तो आप कहाँ से, आपको पैसा कैसे मिलेगा? तो कंपनी ने जो शेयर बाजार का प्रोसेस है वो ये है कि आप अपना जो जो आपने स्टॉक खरीदा है उसको सेल के लिए आप मार्केट में लगा देंगे, तो कोई ना कोई आपके स्टॉक को खरीदेगा, तो जब वो खरीद लेगा आपके स्टॉक को तो आपका जो जब स्टॉक बिक जाएगा आपको पैसा मिल जाएगा, और पैसा कौन देगा, जिसने स्टॉक खरीदा है। अब उस कंपनी का जो शेयर धारक बन जाएगा वो दूसरी पार्टी बन जाएगी, यानी कि आप नहीं रहेंगे, जिन्होंने आपका स्टॉक खरीदा है वो शेयर धारक बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो शेयर मार्केट जो है वो काम करता है कि कोई बेचता है तो कोई खरीदता है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो दोस्तों आपको इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो एक कॉमनली क्वेश्चन और लोगों ने पूछा कि आप कैसे सीखेंगे शेयर मार्केट के बारे में, आपको जानकारी कैसी होगी, आपको अवेयरनेस कैसे आएगी,
अब हमने ये सब चीज़ें जान ली, तो अब धीरे धीरे हमारे को सीखना भी है। तो दोस्तों मैं आपको सिंपली एक बात बोलना चाहूँगा कि आप उन देखो सिर्फ 100-200 रुपीज़ के आसपास का खर्चा आएगा, जिस बारे में बात करना चाहूँगा। कोई बड़ा कोर्स मत करें, आप धीरे धीरे स्टार्ट कर दें, बस आप आज ही स्टार्ट कर दें। वो क्या करें, ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले नाम बताए थे कि वॉरेन बफेट जो हैं या फिर शेयर बाजार के जो दिग्गज हैं, उन लोगों ने जो बुक्स लिखी हैं, उन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दें। या कुछ एक आध बुक्स मैंने जैसे मैंने खुद पढ़ी रिच डैड पुअर डैड, उस बारे के उस बुक्स को भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी जो नॉलेज है, वो अवेयरनेस है, वो बढ़ती रहेगी। आप अलग थिंकिंग पैटर्न में जाएंगे और अलग तरीके से सोचेंगे, क्रिएटिव माइंड से सोचेंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बुक्स जो हैं ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। आप इस बुक्स को पढ़ सकते हैं और आपकी शेयर बाजार की जो नॉलेज है उसको गेन कर सकते हैं। दोस्तों हालांकि मैंने इसका एक डिस्क्रिप्शन जो है वो लिंक में दे दिया है, आप उसको वहाँ से अगर बाय करना चाहें तो बाय भी कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। दोस्तों मैं इस प्रकार की जो जानकारी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर देता रहता हूँ। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर अधिक से अधिक करें। और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।